लोहरदगा जिला के सेन्हा प्रखंड क्षेत्र में अवैध बालू उठाव पर नकेल कसते हुए मेड़ो पुल के समीप से अवैध बालू लदा 5 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार मेड़ो बालू घाट में अवैध रूप से बालू उठाव करते हुए खनन पदाधिकारी ने 5 ट्रैक्टरों को पकड़ा, जिसमें एक महिंद्रा, एक स्वराज, एक जॉन डियर, एक सोनालिका व एक ट्रैकर्स गाड़ी है, जिसमें 4 गाड़ी बालू लोडिंग करते हुए कोयल बालू घाट में और एक बालू लादकर जाने के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर खनन पदाधिकारी व सेन्हा थाना प्रभारी के द्वारा छापेमारी दल बनाकर सभी गाड़ियों को पकड़ा गया। पकड़े जाने पर ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा गाड़ी को भगाने का असफल प्रयास किया गया। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए लोहरदगा ब्यूरो से अमर गोस्वामी की आइए देखें एक रिपोर्ट। एक ट्रैक्टर मेढ़ो से कागुरी जाते वक्त पकड़ी गई है, उसको पकड़ लिया गया है और यहाँ मेढ़ो घाट में देखा कि 2-3 ट्रैक्टर फंसी हुई है, वो निकल नहीं पा रही है। ड्राइवर को भी बुलाया गया है, वो उसके इंजन में भी खराबी आ गया है जिसके कारण गाड़ी नहीं निकल पा रही है। अभी तक हम और सेना के थाना प्रभारी लगे हुए हैं कि गाड़ी निकल जाती है तो उसको थाना ले जाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। तो लगाने के लिए हम लोग तो टास्क फोर्स की मदद से टास्क फोर्स के साथ में सभी करीब नियमित छापामारी किया जा रहा है। प्रत्येक घाट में भी जाया जा रहा है बालू घाट में बालू के रोकों के लिए, लेकिन गाड़ी फिर भी अभी तो बरसात के दिनों में कुछ दिन पहले पानी ज़्यादा रहने के कारण कमी हुई थी, पानी अभी कम हो जाने के बाद फिर बालू चढ़ने लगा है। ये सभी लोग, सभी ट्रैक्टर वाले जितने भी हैं, सब लोग बालू चोरी को ही अपना रोजगार समझ लिया है, जबकि गलत है। और जिसे ये छापामारी नियमित किया जा रहा है, नियमित छापेमारी का बालू, अवैध बालू परिवहन और उठाव पर रोक लगाया जा रहा है। छापेमारी निरंतर जारी रहेगी, छापामारी जारी रहेगी, बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाने का प्रयास जारी रहेगा।